हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा ससुराल, क्योंकि पिछले ब्लॉग में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि हम लोग तीन नहान में जा रहे हैं, उन्हीं का आज घाट है। तो अभी हम जा रहे हैं खेलगांव तरफ से, क्योंकि कांटाटोली में न्यू ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है और अभी हम लोग को जल्दी में जाना है, तो हम लोग अभी उधर से नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही खेलगांव है और इससे कुछ दूर आगे में प्लेयर्स लोगों का हॉस्टल भी है। और अभी IIM रांची का कैंपस कंप्लीट नहीं है, तो वे भी इसी का यूज़ करते हैं। और देखिए, ये रास्ता जो है पेड़ पौधा के बीच में है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इधर जो है, इधर पीले पीले फूल भी खिले हुए हैं। और ये रहा हॉस्टल प्लेयर्स का। तो अभी हम लोग जो है सरला बिरला स्कूल के पास पहुंच गए हैं और हम लोग अभी आगे जाके राइट ले लेंगे, जो नया रोड स्टार्ट होता है वहां से सीधा, मतलब शॉर्टकट में रामपुर में हम लोग निकलेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। मेरी गाड़ी जो है वो आगे खड़ी है। ये जो रोड है, ये न्यू रोड बना हुआ है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। इसी रास्ता में थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को रिंग रोड मिल जाएगा। ये जो है, ये टोटल जो है सरला बिरला यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है सरला बिरला यूनिवर्सिटी। तो देखिए, यही है नया रिंग रोड और ये पूरा बन गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलने से भी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर। वो जो रोड आ रहा है वो कांटाटोली से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग टाइमर घाटी पहुंच गए हैं और इसे हम लोग कुछ देर बाद क्रॉस कर लेंगे। तो पहले टाइमर घाटी में ना छोटा और पतला रास्ता हुआ करता था, जिसमें अधिकतर एक्सीडेंट भी हुआ करता था, और अभी जो है अच्छा से, मतलब बड़ा रास्ता बन गया है, दो दो रास्ते बन गए हैं जिसमें एक साथ अधिक से अधिक गाड़ी भी क्रॉस कर सकता है और अभी एक्सीडेंट भी उतना नहीं होता है। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा घाटी से नीचे का व्यू दिखा देती हूँ। अधिक देर तक तो नहीं दिखा सकती अच्छा से, क्योंकि अभी हम लोग को जल्दी से भी जाना है, तो जितना हो सके मैं दिखा देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, सही है टाइमरा घाटी का नीचे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खाई है नीचे में, और इधर जो है पेड़ पौधे बहुत ही उगे हुए हैं, तो हरा ही हरा दिख रहा है सब तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बुंडू पहुंच गए हैं और ये है टोल प्लाजा, अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। और ये रहा बुंडू का पेट्रोल पंप, जो रास्ता के किनारे है, और हम लोग अभी ओवरब्रिज से लेफ्ट ले लिए हैं और कुछ देर बाद हम लोग सुनादो पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम अपना घर भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मेरा ससुराल पहुंच गए हैं और अभी मैं छत में हूँ और देखिए चारों तरफ जो है, अभी शाम होने को आई है, मतलब थोड़ा लेट हो गया आते टाइम ही हम लोग का, और जो कार्यक्रम है वो जो है इधर चल रहा है। देखिए, अभी मैं अच्छे से नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ आदमी का भीड़ है थोड़ा, और अभी देखिए मेरे चारों तरफ जो है इधर पेड़ पौधे लगे हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ मेरा ससुराल से, मतलब छत से नीचे का व्यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज नहीं दिखा पा रही हूँ, अभी माँ आई थी बुलाने के लिए कि अभी नहाने जाना है हम लोग को, तो हम लोग अभी नहाने जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग सवेरे से नहाए नहीं है, तो
तो फ्रेंड्स मतलब किसी और दिन मैं दिखाऊंगी आसपास का व्यू। तो चलिए आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।